हाय फ्रेंड्स, आज कैसे हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आर्किटेक्ट निहारा और आज हम बात करने वाले हैं किचन के वाइट काउंटर स्टोन के बारे में। तो हम जानेंगे कि अगर आपको वाइट कलर का काउंटर बहुत पसंद है तो आप कौन सा स्टोन लगा सकते हैं, उसकी प्राइस रेंज क्या होगी, क्या क्या साइजेस में ये अवेलेबल है, थिकनेस क्या होगी और आपको इसको लगाना कैसे है और लगाने के बाद केयर और मेंटेनेंस क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, तकरीबन 15-20 साल पहले आपने देखा होगा कि मार्बल के काउंटर्स किचन में दिखते थे। और क्योंकि मार्बल बहुत पोरस होता है, जैसे कि एक स्पंज होता है वैसे होता है, उसके ऊपर कुछ भी डाल दो तो वो इंस्टेंटली उसको सोख लेता है। तो किचन के काउंटर के लिए जब आप मार्बल इस्तेमाल करते हो तो किचन पे आपको पता है काउंटर के ऊपर हल्दी मसाला बहुत सी चीज़ें गिरती है और वो आप कैसे भी साफ करो वो साफ़ नहीं होते। इसके लिए अभी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको मार्बल के काउंटर टॉप्स दिखेंगे नहीं। और मोस्टली बिल्डर्स, मैं कहूँगी 90% बिल्डर्स तो ब्लैक कलर के ग्रेनाइट के काउंटर्स देते हैं, पर अगर आपको वाइट कलर के काउंटर्स बहुत पसंद है तो अभी मार्केट में कुछ ऐसे स्टोन्स अवेलेबल है जो बिल्कुल पोरस नहीं है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूज़ करूँगी और उसके ऊपर कुछ गिर जाएगा तो स्टेन आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको आज इन स्टोन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो एक है क्वार्ट्ज और दूसरा है G5, जिसे ग्लास वाइट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि G5 क्या होता है। तो ये है G5, आप देखेंगे वाइट है, बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है। तो अगर आपको प्लेन वाइट काउंटर बहुत पसंद है और ग्लॉसी फिनिश पसंद है तो आप G5 यूज़ कर सकते हैं। बट ये स्टोन ज़्यादा हार्ड होता है तो इसको लगाने के लिए आपको स्किल लेबर की ज़रूरत है। जो आपका कड़िया होगा बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए, उसको कटिंग वगैरह करने में इसमें थोड़ा टाइम जाता है और इसका मोल्डिंग वगैरह का भी जो रेट होगा वो बाकी स्टोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। लेकिन आपको ग्लॉसी पसंद है और प्योर वाइट पसंद है तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर आपके पास पुराना कोई डाइनिंग टेबल है जिसका बेस बहुत अच्छा है पर ऊपर समझो ग्लास है या ऊपर कोई स्टोन है जो आपको चेंज करना है और आपको वाइट स्टोन चाहिए तो आप G5 डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। पर ये चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि इसमें ग्लास मिक्स होता है तो इसमें इनले वगैरह नहीं हो सकता, अदरवाइज आप इसको सेंटर टेबल या साइड टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने शायद G3 और G4 के बारे में सुना होगा। ये जो है G5 में जो आपको दिखा रही हूँ ये इसमें लेटेस्ट वैरायटी है। और G3 में एक प्रॉब्लम था कि G3 में जो मोल्डिंग आप देखेंगे तो मोल्डिंग का फिनिशिंग जैसे टॉप का है वैसे नहीं होता था, तो वो जो ग्लॉस लेवल है वो मैच नहीं होता था। तो G5 में ये उन्होंने अचीव किया है। आप देखेंगे इसका जो एज का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा, और जैसे आपका टॉप का शाइन और शीन जितना होगा उतना ही मोल्डिंग सेम उसको मैच करेगा। ये आपको अंदाजे 10 फुट बाय 4.5 फुट के स्लैब में अवेलेबल होता है और इसका प्राइस है ₹450 पर स्क्वायर फीट। अगर आपको पूरी स्लैब नहीं लेनी तो आप थोड़ी ज़्यादा प्राइस देकर कट स्लैब मंगा सकते हैं, बट हर एक वेंडर ये नहीं देता तो आपको पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी। थिकनेस आप 20mm का थिकनेस यूज़ कर सकते हैं। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि G5 के लिए स्पेसिफिकली आप परचेज करने जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास जो आप सिंक लेने वाले हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है या परचेस्ड है, क्योंकि इसका कटिंग और मोल्डिंग थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए ये बेटर होगा कि आप सिंक का साइज़, प्लेटफॉर्म का साइज़ देकर जहाँ से, जिस वेंडर से आप परचेज करने वाले हैं उन्हीं से आप इसका कटिंग और मोल्डिंग करवा लें, क्योंकि उनके पास स्किल लेबर होगा तो फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा और साइड पे जो भी करिया है वो बहुत इजीली इसको असेंबल करके लगा सकते हैं। G5 का एक साइड ग्लॉसी होता है और दूसरी साइड उसकी रफ होती है। तो अगर आपको किसी वर्टिकल कहीं पे इसको वर्टिकली लगाना है, बहुत बार ऐसे होता है कि एक साइड में फ्रिज है तो एक जो काउंटर का एंड होगा वो दीवार में फिक्स्ड होगा और दूसरा जो फ्री एंड होगा वहाँ पर हम वर्टिकली पत्थर लगाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको G5 लगाना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक साइड उसकी रफ है तो एक साइड से वो रफ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, स्टोन के पीसेस एक के ऊपर एक चिपका के सैंडविच करके डबल मोल्डिंग दिखाना है। आप डबल मोल्डिंग के बारे में आपके कड़िया को कहेंगे तो वो आपको करके दिखा देंगे। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज के बारे में। G5 की तरह क्वार्ट्ज एक मैन्युफैक्चर्ड या इंजीनियर्ड स्टोन है। ये आपको 15, 18, 20 और 25 mm के थिकनेस में मिलेगा और स्लैब साइज उतनी ही होगी, अंदाजे 10 फुट बाय 4.5 फुट। और ये आपको AGL, कलिंगा इन कंपनीज में मिलेगा। AGL एक इंडियन ब्रांड है। AGL में अगर आपको क्वार्ट्ज खरीदने आप जाएंगे तो आपको 270 से लेकर 450 तक अच्छा क्वार्ट्ज का स्लैब मिल जाएगा, पर स्क्वायर फीट का रेट है। और कलिंगा जो है इंपोर्टेड है, इटालियन ब्रांड है, तो उसमें आप देखने जाएंगे तो 350 से 750 तक आपको अच्छा क्वार्ट्ज का स्लैब मिल जाएगा।
क्वार्ट्स के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। G5 के बारे में मैंने आपको बोला कि G5 के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते, वो स्क्रैच प्रूफ है और उसको बफिंग भी नहीं होता। क्योंकि स्क्रैचेस नहीं आएंगे तो आपको बफिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट क्वार्ट्स के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगा तो आप इसको बफिंग या पॉलिशिंग करके ले सकते हैं, बहुत ही फिर से वो फ्रेश दिखेगा। अगर आपका काउंटर एल शेप का है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एल शेप में आपका दो पीसेस में काउंटर स्लैब कट होके लगेगा, तो एल का एक जो साइड होगा वो एक कंटिन्यूस स्टोन होगा, दूसरा होगा वो दूसरा स्टोन होगा। तो उसके जॉइंट पे जब आप ग्राउटिंग करेंगे तो वाइट ग्राउटिंग होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करने के बाद भले ही आपका स्टोन कुछ भी सोक ना करे, बट जो ग्राउटिंग है वो थोड़ा काला हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे लगेगा कि स्टोन वाइट दिख रहे हैं बट जो जॉइंट है वो काला दिख रहा है। तो एक तो आप वाइट काउंटर, आपको अगर इससे प्रॉब्लम है तो वाइट काउंटर यूज़ ना करें, या आप याद रखें कि आपको वो ग्राउटिंग चेंज करना पड़ेगा काला होने के बाद। पैरेलल काउंटर है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले देखा होगा कि जो काउंटर है उसके लिए एक कलर यूज़ करते हैं और पीछे के जो टाइल्स हैं, अगर ब्लैक काउंटर है तो किसी और कलर के टाइल्स पीछे यूज़ करते हैं, बट आजकल जो ट्रेंड है उसमें आपका काउंटर और पीछे का जो सरफेस है, जो स्प्लैश बैक है, उसमें आप सेम कलर यूज़ कर सकते हैं, सेम मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्वार्ट्स आपके काउंटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये क्वार्ट्स का सैंपल है, तो ये आपका काउंटर है, तो पीछे स्प्लैश बैक में आप सेम क्वार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कलर सेम है बट उसमें जो प्रिंट है, जो फिगर है, वो थोड़े अलग है, तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम भी करेंगे तो भी आप देखेंगे दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि क्वार्ट्स का जो स्लैब है पीछे वो पूरा लगेगा। जैसे कि टाइल में एक दो बहुत सारे टाइल्स होते हैं उसमें जॉइंट्स दिखते हैं, तो वैसे नहीं दिखेगा क्योंकि एक सिंगल पीस में लगेगा। तो जैसे आपका काउंटर एक सिंगल पीस में दिखता है, वैसे ही पीछे जब एक सिंगल पीस दिखेगा तो दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा। अगर आपको कलर कोई और करना है तो क्वार्ट्स में बाकी कलर्स भी अवेलेबल है, बट वो जो एक सीमलेस जॉइंटलेस जो फिनिश होता है दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। आपने आर्टिफिशियल मार्बल्स के बारे में शायद सुना होगा, जो मार्बल सर्फेसेस के नाम से जाना जाता है, तो ये एक आर्टिफिशियल मार्बल का सैंपल है। जैसे ही क्वार्ट्स के सैंपल्स दिखते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल मार्बल के सैंपल दिखते हैं। आर्टिफिशियल मार्बल आप डोर और विंडोज़ के फ्रेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वाइट थीम है तो किचन में आप काउंटर के लिए क्वार्ट्स यूज़ कर लीजिए, बैक स्प्लैश पे आप अगर बजट है तो क्वार्ट्स ही यूज़ कर लीजिए, और बाकी जो किचन के फ्रेम्स है या बाकी जो घर के डोर्स और विंडोज़ है उसके लिए, कहीं पे फ्लोरिंग के लिए भी आप आर्टिफिशियल मार्बल यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप सिलेक्शन के लिए जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सैंपल के पीछे बैक साइड पे आपको क्वार्ट्ज सरफेसेस लिखा हुआ आपको चेक करना है, मार्बल सरफेस नहीं। अगर उसके पीछे आर्टिफिशियल मार्बल लिखा है तो वो आप किचन काउंटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप क्वार्ट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ नॉन ब्रांडेड मत लीजिए। मैंने जैसे आपको कहा कि AGL एक अच्छी कंपनी है, कलिंगा भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप उनका लें, क्योंकि अगर आप अच्छे ब्रांड का लेंगे तो आप इसके बारे में श्योर रहेंगे कि वो एक्चुअल क्वार्ट्स हैं और वो नॉन पोरस है और कुछ भी स्टेन नहीं आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इससे रिलेटेड हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अगर आप कुछ मेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, आप उसके ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। और हमारे इंटीरियर डिज़ाइन के बाकी साइट्स के फ़ोटोज़ देखने के लिए और वीडियो की जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।